नमस्कार, एनएमसी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं कृष्णा चतुर्वेदी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद बोले, आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता है पाक। शरद पवार ने पद छोड़ने का निर्णय वापस लिया। राजौरी में आतंकियों ने किया हमला, 5 कमांडो का बलिदान। केरल के चर्च ने समलैंगिक विवाह मान्यता को देने का किया विरोध। मणिपुर के बिगड़ते हालत पर अमित शाह की सीधी नजर। कोरोना अब वैश्विक महामारी नहीं, WHO। अब खबर विस्तार से। शंघाई सहयोग की बैठक में भारत पहुंचकर पाक मीडिया के साथ वार्तालाप। कश्मीर मुद्दे को उठाने और आतंकवाद पर स्वयं को पीड़ित देश साबित करने की पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टी की रणनीति बहुत भारी पड़ गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने शुक्रवार शाम को आतंकवाद पर दोहरे चरित्र को न सिर्फ बेनकाब कर दिया बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि कश्मीर पर दोनों देशों के बीच कोई बातचीत सिर्फ उसके कब्जे से कश्मीर को छुड़ाने को लेकर होगी। पाक के विदेश मंत्री की तरफ से आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग की अपील दर्ज की गई थी। शरद पवार ने पद छोड़ने का निर्णय वापस लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण अपना पद छोड़ने का निर्णय वापस ले लिया है। राजौरी ने किया आतंकियों पर हमला, 5 कमांडो का बलिदान। पाकिस्तान में पोषित आतंकियों ने शुक्रवार को राजौरी के घने जंगल में सेना के एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला कर दिया है। इसमें सेना के स्पेशल फोर्स के 5 पैरा कमांडो बलिदान और एक मेजर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। केरल के चर्च ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का विरोध किया है। समलैंगिक विवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के रूख की सराहना करते हुए केरल के सिरोमालावार चर्च ने कहा कि ऐसे रिश्ते को कानूनी मान्यता देना अप्राकृतिक है और देश में मौजूद परिवार की व्यवस्था के खिलाफ अन्याय है। मणिपुर के बिगड़ते हालात पर अमित शाह की पैनी नज़र। अमित शाह मणिपुर के बिगड़ते हालात पर काबू करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में शुक्रवार को तय 5 सभाओं और रोड शो को रद्द कर दिया। शाह राज्य तथा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। वह मणिपुर की स्थिति के बारे में सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों से नियमित रूप से जानकारी ले रहे हैं। कोरोना अब वैश्विक महामारी नहीं है। WHO 3 वर्षों की लंबी अवधि के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कोरोना को वैश्विक महामारी के रूप में खत्म हो रहे जाने की घोषणा कर दी है। देश विदेश के तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए एनएमसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।